सबसे पहले आप सब लोगों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। 4, 5, 7 बिंदु ऐसे हैं जो तात्कालिक और तुरंत उपाय उनका होना चाहिए, सरकार से हम लोग डिमांड करेंगे। एक तो रबी की फसल की बुआई है, किसानों को पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में भी और आखिरी के 2 साल बीजेपी के जो वसुंधरा जी के थे उसमें भी, यानी 7 साल से रबी की फसल के समय 6 घंटे कम से कम बिजली मिलती थी, आज वो बिजली 4 घंटे हो गई है, 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। और मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार मंत्रीगण बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन के अंदर जो बिजली देनी पड़ रही है उसकी वजह से ये हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि वो 1 महीने पहले ही वो जो बिजली देना लेना जो भी था वो खत्म हो गया। आज रबी के समय किसानों को 4 घंटे बिजली मिल रही है, कम से कम 6 घंटे दें, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएगा, ये सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि बाजरे की खरीद एमएसपी के ऊपर सरकार करेगी। और राजस्थान की विधानसभा का जब सत्र था, एक क्वेश्चन लगा था, तो मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद थे और आप राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट में उनका रिप्लाई देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम वो काम भी करेंगे जो संकल्प पत्र में बाजरे की खरीद का हमने वादा किया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां एमएसपी के ऊपर बाजरे की खरीद हो रही है, और हम पे आरोप लगाने वाले और अपने संकल्प पत्र में वादा करने वाले लोग आज पूरी तरीके से मना कर चुके हैं कि बाजरे की खरीद नहीं होगी, यानी किसान जो परेशान था वो परेशान ही रहेगा, हमने तो धोते वादे करके और सत्ता लूटने का काम किया है। तीसरा मैं कहना चाहता हूं, जो कर्मचारी वर्ग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, आरजीएचएस का जो स्कीम और लाभ जो कांग्रेस की सरकार ने सुनिश्चित किया था, आज तकरीबन 8-9 महीने से आरजीएचएस का जो पेमेंट है इलाज का वो किसी भी कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। पूरी तरीके से इस स्कीम को फेल करने का काम कर दिया है, जिससे कर्मचारी वर्ग पूरा का पूरा परेशान है और उनका इलाज के लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में, और विशेषकर सरकार कह रही थी 1 लाख नौकरियां अभी दिसंबर जनवरी तक दे देंगे, 4 लाख नौकरियां दे देंगे, शिक्षा विभाग में मैं प्रेस नोट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि 1,01,000 से अधिक पद आज भी रिक्त हैं। और 2021-22 के बाद में जब से मैंने छोड़ा था उसके बाद से आखिरी के 2 साल में हम भी नहीं कर पाए, और अब 12 महीने से किसी भी वर्ग की पदोन्नति नहीं हो रही है, डीपीसी नहीं हो रही है, न थर्ड ग्रेड की है, न सेकंड ग्रेड की है, न कोई व्याख्याता की है, न प्रधानाचार्य की है। अगर आप इसको देखोगे तो प्रधानाचार्य के भी 7,400 निवासी पद आज भी खाली हैं, स्कूल व्याख्याता के 17,556 पद खाली हैं, द्वितीय श्रेणी के 33,840 पद खाली हैं, और तृतीय श्रेणी के 18,170 और तृतीय श्रेणी के भी जो L2 और L1 ये 18,936 और प्रारंभिक एक शारीरिक शिक्षा के 4,153, प्रयोगशाला के 1,078, यानी कुल 1,01,222 पद रिक्त हैं। न पदों की भर्ती की जा रही है और न डीपीसी करा करके पदोन्नति। ये कहना कि कोर्ट में अटका हुआ है, कोर्ट में एक बात अटकी हुई है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे तो आपको कोर्ट से निकाल करके इनको डीपीसी करनी चाहिए, न डीपीसी कर रहे हैं और नए पदों की भर्ती कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से आपने सुना होगा
प्रेस के माध्यम से उन्होंने बाकायदा कहा था, कैबिनेट में फैसला करके कहा था कि हम लोग L1 के अंदर, पहले तो कहा तृतीय श्रेणी अध्यापक में 50% महिलाओं को आरक्षित करेंगे और रिजर्वेशन देंगे, और उसके बाद में कैबिनेट में भी इन्होंने कहा था, लेकिन आज की तारीख तक न कोई नियमों में न कानून में संशोधन हुआ है, न पंचायत राज एक्ट में संशोधन हुआ है। ऐसे ही जैसे वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, धूल में लट चला दिया, वैसे धूल में लट चला दिया। इनके पास में कानूनी स्थिति की बिना जानकारी के घोषणा कर रहे हैं, इसलिए जो रीट की ये बात कह रहे हैं वो रीट की भी नहीं हो सकती, क्योंकि रीट में L1 में केवल और केवल एक ही पेपर होगा और उसके आधार के ऊपर जो मेरिट बनेगी उससे भर्ती होगी, और उसी L1 में ये महिलाओं की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो आप जब तक इस कानून में संशोधन नहीं करते तब तक आप रीट की कैसे विज्ञप्ति निकालेंगे और कैसे रीट कराएंगे? मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे वादा खिलाफी ये लोग बात कर रहे हैं। एक मैं कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों की हमने विज्ञप्ति निकाली थी, हमने भर्ती कर रहे थे, इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन आज जो नियम बनाए हैं वो इतने कड़े नियम बना दिए कि ये जो दो दिन बाद में इनकी अंतिम लास्ट डेट है लेकिन कोई फार्म नहीं भर पा रहा है, क्योंकि उसके खाते में किसी भी संविदा या किसी कंपनी के द्वारा खाते में पैसा जाना चाहिए, SI PF कटना चाहिए, तो ये चीजें संविदा कर्मियों के पहले से ही है, तो वो नौकरी जो ये देना चाहते हैं वो नौकरी तो पहले से है। इसलिए नए लोग वाल्मीकि समाज के, विशेषकर जिनके लिए इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में घोषणा की थी कि हम वाल्मीकि समाज को सफाई की भर्ती में देंगे, तो नियमों के अभाव में जो नियम है, मौजूदा नियम, उसके कारण से ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी ये नहीं कर पा रहे हैं, ये थोटी घोषणा इनकी निकली है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ANM के लिए नियुक्ति पत्र बांट दिए थे कि आपका सिलेक्शन पत्र बांट दिया और उसको नौकरी बता दी थी, आज वो पद स्थापन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो ऐसे 1 लाख की संख्या अगर इनको पूर्ति करनी है तो एक अलग बात है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जी को एक चस्का लगा है, वो चस्का क्या लगा है, जो हमने कोरोना में मजबूरी के कारण से वर्चुअल जो किए थे हमारी सरकार के समय उद्घाटन और शिलान्यास, अब मुख्यमंत्री जी सभी जगह से ये मंगवा रहे हैं कि कौन कौन से काम हो गए, कौन से का शिलान्यास करना है, कौन से का उद्घाटन करना है, और इस सरकार की वर्षगांठ के ऊपर वो पहले भी एक बार वर्चुअल कर चुके और दोबारा वर्चुअल करके मंत्रियों का, जनप्रतिनिधियों का, प्रधान, प्रमुख, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष, सबके अधिकारों के ऊपर कुंडली मार के बैठना चाहते हैं, उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं, और वर्चुअल उद्घाटन करके केवल हमारी सरकार के द्वारा किए गए, स्वीकृत किए गए और पूरे किए गए कामों के ऊपर अपने नाम शिला पट्टिका पर लिखवाना चाहते हैं, जो गलत है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, हम लोग इसकी जो है पुरजोर तरीके में विरोध करते हैं कि बड़े काम जो मुख्यमंत्री के लेवल में हो, बजट की कोई घोषणा में हो, वो अगर कार्य अगर मुख्यमंत्री जी करें और वो जाकर के वहां फील्ड में करें तो उसका एक मैसेज जाता है, लेकिन अगर हमने कोई PHC कराई, सब सेंटर कराया, स्कूल का कमरा कराया और छोटे छोटे जो काम कराए, जो MLA अपने क्षेत्र में जाकर के इस बहाने लोगों के बीच में जाता है, उद्घाटन करता है, शिलान्यास करता है, फिर वहां पर घोषणाएं भी लोगों की आती हैं, उसके ऊपर ये उनके अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करने का काम कर, फिर ये मंत्री जब जिलों में जाएंगे तो क्या करेंगे, चाय बिस्कुट करके कलेक्टर के आ जाएंगे तो फिर फील्ड में किस मुंह से जाएंगे? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को वर्चुअल नहीं करके, जो मुख्यमंत्री है वो मर्जी है जो करे, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो MLA MP होता है उसको साथ ले, वो स्वयं जाए और जाकर के अगर उद्घाटन करे कोई बड़े प्रोजेक्ट का तो बात समझ में आती है, लेकिन एक तरीके से पूरा का पूरा कोलैप्स सिस्टम को करने के लिए केवल कांग्रेस सरकार के समय में जो कार्य स्वीकृत हुए और चालू हो गए उन कार्यों पे अपनी नाम पट्टी का क्या डर है मुख्यमंत्री जी को कि ये हट रहे हैं? कैसे इतनी आनंद फानन में नाम मंगा करके जिला कलेक्टरों को ये कहा जा रहा है कि आप एक भी कोई भी दूसरा उद्घाटन नहीं करेगा,
जब तक हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी सारे के सारे एक साथ 10,000 5,000 20,000 का शिलान्यास करेंगे और वो जो उद्घाटन करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये परंपरा पहले कभी नहीं रही है। बड़े कामों का मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन ये नई परंपरा डाली जा रही है जो ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधियों के जो अधिकार हैं उनके ऊपर जो है अंकुश लगाया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। उपचुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव में दीपावली का जो पर्व था उसमें सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के बीच में थे। अब चुनाव परवान चढ़ चुका है और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुनने रहेगी। इनके सारे के सारे जो दावे हैं वो धरे रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 10 महीने तक सबको ठगने का काम किया है, चाहे वो नर्मदा के पानी की बात को लेकर के, चाहे ईआरसीपी की बात को लेकर के, चाहे 1,00,000 लोगों को नौकरियां देने की बात को लेकर के, चाहे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की बात को लेकर के, चाहे और कोई दूसरे मुद्दे को लेकर के, महंगाई कम करने के मुद्दे को लेकर के, चाहे जो पेट्रोल हरियाणा के बराबर करने को मुद्दे को लेकर के, सारे के सारे मुद्दों पे इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। इसलिए इनको सबक सिखाने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।